Hello again. So I decided that there should be one more video where we run through a sample question paper, because जिस तरह का परफॉर्मेंस मैंने देखा, सो आई थिंक दिस इज नेसेसरी. सो एक जो पास क्वेश्चन पेपर है, विल जस्ट रन थ्रू दैट. एंड सर्टन थिंग्स बिफोर वी मूव ऑन टू इट, आई वॉन्ट टू जस्ट से कि सबसे पहले तो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली. लाइक अगर आपको सवाल में विवेकानंद के शिकागो ट्रिप के बारे में पूछा गया है, सो यू डोंट टॉक अबाउट टू मच अबाउट लाइक व्हाट ही डिड इन चाइना एंड जापान. ऑफ कोर्स इफ़ यू डोंट नो व्हाट हैपन्ड इन शिकागो, देन ठीक है. अगर 5 नंबर का सवाल है, आप कुछ कुछ शिकागो के बारे में लिख देते हैं, तो शायद आपको 1-2 नंबर मिल जाए. बट दैट इज़ इफ़ यू डोंट नो द आंसर. सो फर्स्टली रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एंड देन द चॉइस सिस्टम. आपको पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, क्लियरली लिखा है, अटेम्प्ट टू पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर वन, चूजिंग वन आउट ऑफ पार्ट्स वन ए एंड वन बी. सो पहले सवाल में से ए और बी में से ऑप्शन है, एक बड़ा सा और बीच में लिखा है, यानी कि अथवा. वैसे ही सी और डी में ऑप्शंस है, सो प्लीज़ नोट ऑल ऑफ दीज. और दूसरा, जैसे आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, हर जगह आपको ऑथर और टाइटल पूछा जाता है. सो प्लीज़ जितने भी टेक्स्ट हैं आपके कोर्स में, यू शुड नो ऑल द टाइटल्स एंड द ऑथर नेम्स. ऑल राइट, द पोएट नेम्स. देन द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ लाइक कीप इन माइंड द मार्क्स. अब जहाँ पे एक एक नंबर के, जैसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ आपको आपको जैसे पूछा जा रहा है, व्हाट डज कलाम से अबाउट द डिवाइन फायर. सो हेयर इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन. सो यू जस्ट लाइक ऑलरेडी आपको जो रेफरेंस दिया, जो एक्सट्रैक्ट दिया गया, उसी में ही आंसर है. वी आर ऑल बॉर्न विद अ डिवाइन फायर इन अस, आर एफर्ट्स यू डिटेटेड. तो आप यही अगर लिख देंगे, दिस विल ऑल्सो वर्क. बट इफ इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन, देन यू नीड टू टॉक मोर अबाउट द डिवाइन फायर, मोर अबाउट प्रेयर, मोर अबाउट कलाम स्पिरिचुअलिटी. एंड इफ इट्स अ 10 मार्क क्वेश्चन, देन यू नीड टू प्रिटी मच समराइज ऑल लाइक द एंटायर एसे. यू नीड टू टॉक अबाउट कलाम्स चाइल्डहुड, की उनके अंदर ये स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आई, उनको ये डिवाइन फायर की समझ कहाँ से आई. यू नीड टू टॉक अबाउट हिज फादर जैनुबल्दीन, जैनुलब्दीन, एंड हिज लाइक जो वहाँ पे आस पास जो मॉस्क और मंदिर में जो स्पिरिचुअल डिबेट्स होती थी, कैसे कैसे, एंड हाउ दिस डिवाइन फायर ग्रू विद हिम, एंड हाउ ही हैज़ हेल्प, और वॉट ही says to the people of India. So that's a 10 mark question. You need to add details, you need to add context, right? So anyhow, let's move on. So first question, the first option is from Abdul Kalam's essay Power of Prayer. So very straightforward, I think. The uska jo optional part hai B mein, it's name the essay, what is it? On the Ignorance of the Learned by William Hazlitt. Again, most of the answers जो आप देखेंगे यहाँ पे, what does the author say about a scholar, etc., what is a learned pedant conversant with, it's all there in the extract itself. It's more like comprehension. Already answers आपको इसी paragraph में दिए गए हैं. All you need to do is look for them and write them out. Next option is from what? Azam of Life by Longfellow. Or again, name of the poem and the poet. What do lives of great men remind us? Most of the hints are there in the extract itself. And D option is me, like so yeah, this is from the poem. If what do you mean by pitch and toss? You should know this. It's a reference in your poem. Pitch and toss is a game, so you need to be able to describe it. Baki, the questions are pretty straightforward. Antonym of loss. What is the antonym? What is the opposite of loss? Synonyms are same meaning, similar meaning, pryavachi shabd, or antonyms are vipreet, jo vipreet arthak shabd. So kya hai loss ka ulta, kya hota hai? Antonym of loss, if you can make one heap of all your winnings. हाँ, सो आई गेस इट इज़ विनिंग, या विनिंग्स. ओके, सो देन द नेक्स्ट पार्ट, आंसर 4 क्वेश्चंस, 2 फ्रॉम ईच यूनिट. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. यूनिट 1 से आपको 3 ऑप्शन है, उसमें से आपने 2 करने हैं. वैसे यूनिट 2 के पास भी 3 ऑप्शन है. यू हैव टू आंसर ओनली 2, एंड ऑल्सो यू कॉन्ट आंसर लाइक 3 फ्रॉम 1. एंड प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, इसके आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा लिखने के. सो या, व्हाट वर विवेकानंद थॉट्स एज ही विजिटेड चाइना एंड जापान ऑन हिज वे टू शिकागो. सो 5 मार्क क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू टॉक मच अबाउट शिकागो एक्सेप्ट दैट ही वॉज ऑन हिज वे देयर. यू नीड टू टॉक अबाउट हिज फीलिंग्स इन चाइना एंड जापान, कि उनको कैसा लगा वहाँ, कैसा महसूस हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अबाउट 1-1.5 पेजेस शुड बी मोर देन इनफ.
हाउ डज एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड होम हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वेमेन, अमर्त्या सेन के एसे से लिया गया है, इट्स अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग एंड हेयर इसमें तो काफ़ी जनरल सा टॉपिक है, यू कैन ऐड इवन योर ओन ओपिनियंस एसेट्रा एसेट्रा. वॉट आर द पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इफ़ यू नो द एसे बाय फेडरोव यू शुड बी एबल टू ईजिली आंसर दिस. Against unit 2 animals, Christina Rossetti's When I'm Dead My Dearest, and why does the poet wish to Yeats' ka Island of Innisfree? Very straightforward questions, seedha aap answer kar sakte hain. Finally, the long ones you have to, again, ek ek dono units mein se choose karna hai. What is the power of prayer according to ABJ? What message does he give to the people? Again, straightforward, but you will have to talk about his childhood, how like you know he understood the power of prayer from his father, etc. etc. Extended note on Ruskin Bond's sense of humor. Substantiate your answer with illustrations from the text. So you need to know the text, you need to be able to give examples from the text. So if you say Ruskin Bond has a sense of humor, give examples. Okay, give the summary of the poem. If very straightforward, the poem Refugee and Mother's Child is a refugee mother and child is a poem of appreciation for all the mothers in the world. All right, discuss. Again, long question, so here you will need to talk more, add details like you know about refugee situations, about world crisis, you can talk about current affairs, maybe right now what is happening in Burma, Myanmar, sorry, and way Middle East, Somalia, Africa, ये सब में क्या क्या हो रहा है, you can talk about these things. Finally, grammar portion, write one word substitutes for any five. So, 7 options है इसमें से, बस 5 के आपको देने हैं. One who doesn't believe in the existence of God, atheist. Second is illiterate, invisible. Fourth, pessimist. One who looks at the dark side of the things, जैसे half full, half empty people, pessimists, a child whose parents are dead, orphan, that happens every year, annual, one who cannot hear, deaf, or if you want to be more politically correct, hearing impaired. 5 of the following words as nouns and verbs, तो वही ये जो शब्द हैं इनको आपको as nouns and as verbs दोनों इस्तेमाल करने और कैसे sentence में दिखाने. तो अगर air की बात करें, so if I am talking about air as a noun, so I can say something like the air is too thin in the mountains, पहाड़ों में जो हवा है, हवा नाम की जो चीज़ है वो बहुत पतली हो जाती है. But if I want to use air as a verb, क्रिया, so जैसे कि जब कमरा होता है, you know, अगर एक कमरा बड़े दिनों से locked है, बंद है, तो अंदर एक सीलन सी, एक अजीब सी suffocating smell सी रहती है. So let us air out the room, हवा आने दो, like you know air out, हवा दो कमरे को. सो देन इट बिकम्स अ नाउन, बिकॉज आप ये क्रिया कर रहे हैं. लेट अस क्या है, सब्जेक्ट, करने वाला, करता, क्या करना है, एयर आउट करना है. सो या, और ऑब्जेक्ट द रूम, किसको करना है, द रूम को. डिग्री की बात करें, सो आई जस्ट रन थ्रू 3 एग्जांपल्स हेयर, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स. फर्स्ट, सुपरलेटिव. सो लाइक यू नो द फर्स्ट ऑप्शन इज रिटन इन पॉजिटिव, जो एडजेक्टिव है ग्रेट है. सो लेट अस मेक इट इन टू सुपरलेटिव फॉर्म विच विल बी ग्रेटेस्ट, एंड मीनिंग सेम रखना है. सो नो अदर इंग्लिश पोइट इज़ एज ग्रेट एज शेक्सपियर, कहा जा रहा है कि कोई भी इंग्लिश कवि शेक्सपियर के जितना ग्रेट नहीं है. सो देन यू शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट. सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन इज कंपेरेटिव, दिल्ली इज़ बिगर. इफ यू वॉन्ट टर्न इन टू पॉजिटिव, वेयर द वर्ब फॉर्म, वेयर द एडजेक्टिव फॉर्म शुड बी वॉट, big. So most other cities of India are not as big as Delhi. Similarly, third option is largest, superlative में है, और इसको आपको करना है comparative, यानी कि largest को आपको larger में बदलना है और meaning same रखना है. So China is larger than most countries in the world. Finally, we move on to homonyms, same things. So for instance, match, match के दो मतलब, एक तो जैसे कि match, football match, cricket match, और दूसरा क्या, matches, और भी कई मतलब हो सकता है, बट सो यू नीड टू मेक सेंटेंसेस. सो इट वॉज अ गुड क्रिकेट मैच, एंड द सेकेंड ऑप्शन, प्लीज लाइट अ मैच. सो दैट्स अबाउट इट. एंड फाइनली आई विल से, एज यू कैन सी गिवन द ऑप्शंस, आई टोल्ड यू यू कैन लीव आउट सम पोर्शंस फ्रॉम योर सिलेबस, बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सो देन यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ द पोर्शंस दैट यू आर स्टडीइंग, राइट. अगर आप कुछ छोड़ रहे हैं तो ठीक है, बट फिर जो आप तैयार कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. एंड अगेन, प्लीज़ रिमेंबर एट लीस्ट ऑल द टाइटल्स एंड द राइटर नेम्स. एंड या, दैट्स अबाउट इट. सो गुड लक फॉर द एग्जाम्स, एंड सी यू.